दिस इज माय लेक्चर ऑन पैनिकुलस कार्नोसस। तो चलिए शुरू करते हैं डेफिनेशन से। डेफिनेशन ऑफ द पैनिकुलस कार्नोसस, अ थिन शीट ऑफ स्ट्राइटेड मीन्स स्केलेटल मसल लाइंग जस्ट बीनीथ द सुपरफिशियल फेशिया के बिल्कुल जस्ट नीचे, टू प्रोड्यूस लोकल मूवमेंट्स ऑफ द स्किन। This panniculus carnosus muscle will produce local movement of the upper lying skin without the movement of the joint or the bone at which it is originated. तो देखिए, it does not cause the movement of the joint, जिस joint से वो muscle मिली हुई है उसकी movement नहीं होगी, which it is originated, जिस joint से originated या जिस bone से originated है, bone की movement नहीं होगी, सिर्फ skin की movement होगी। Lower mammals के अंदर जो है वो panniculus carnosus present होती है। Lower mammals के अंदर, humans के अंदर अगर ये present है तो इसके remnants present है हमारी craniofacial muscles के अंदर, facial muscles जिस पे मैं अगला lecture लूँगा, और platysma के अंदर well defined panniculus carnosus जो है वो हमारी present है इन दो muscles के अंदर, और बताऊँगा मैं कहाँ कहाँ ये present है। सो इट इज़ रूडिमेंट्री इन ह्यूमन्स, ये है तो सिर्फ लोअर मैमल्स के अंदर, और लोअर मैमल्स के अंदर भी आप पूछेंगे कि क्यों है ये पैनिकुलस कार्नोसिस, क्योंकि ये वहाँ पे लोकल मूवमेंट प्रोवाइड करेगी। क्यों प्रोवाइड करनी है लोकल मूवमेंट? तो जो हमारे लोअर मैमल्स होते हैं, वो ग्रेजिंग एनिमल्स होते हैं, वो ट्विच करते हैं अपनी पैनिकुलस कार्नोसस को। ट्विच मीन्स सिंगल, ट्विच इज इक्वल टू सिंगल मसल कॉन्ट्रैक्शन। वो इस मसल की कॉन्ट्रैक्शन करते हैं जिससे कि स्किन उनकी जो है वो अपर लाइंग स्किन मूव करती है, और जब वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं बर्ड से जो उनके ऊपर आके बैठती हैं, उनको हिलाने के लिए वो अपनी स्किन की मूवमेंट्स करते हैं, पैनिकुलस कार्नोसस को ट्विच करते हैं, जिसे हम बोलते हैं ट्विचिंग द विदर्स। Yes, withers means skin, twitching the skin. This movement and this action is done by lower mammals because unke hands to hai nahi. Lower mammals jaise rat jo hai, aur rat se ye muscles dheere dheere evolution स्टेज में दिखा रहा हूँ, ये फिर रैबिट के अंदर आई, फिर ये कैट के अंदर गई, फिर ये डॉग के अंदर चली गई, और जब मंकीज़ के अंदर गई, और धीरे धीरे जब ये ह्यूमंस में आई है, तो ह्यूमंस के तो हैंड है स्क्रैच करने के लिए, इचिंग को ख़त्म करने के लिए, लेकिन लोअर मैमल्स इसके अंदर और भी एनिमल्स हैं हमारे, जैसे काउ, बफेलो, डियर, ये कैसे जो है ट्विच करेंगे अपनी स्किन को जिससे इचिंग ख़त्म होगी। ह्यूमंस तो हैंड से इचिंग जो है स्क्रैच कर लेगा, इचिंग ख़त्म कर लेगा, लेकिन जो ये मैमल्स हैं हमारे लोअर मैमल्स, ये ट्विच करते अपनी स्किन को, जिसे हम बोलते हैं ट्विचिंग द विदर्स। तो ये देखिए, जो मैं बोल रहा था क्रेनियोफेशियल, ह्यूमन की बात करूं तो क्रेनियोफेशियल और प्लेटिस्मा के अंदर जो है वो हमारी प्रेजेंट है रेमिनेंट्स। रेमिनेंट्स मींस बचे कुछ ये पार्ट्स जो हैं वो प्रेजेंट है पैनिकुलस कार्नोसस मसल के, लेकिन ये रूडिमेंट्री है, ये फुल बॉडी के अंदर नहीं है, हमारी होल बॉडी के अंदर नहीं है, इसके सिर्फ रेमिनेंट्स ही प्रेजेंट है, सिर्फ पार्ट्स ही प्रेजेंट हैं। और ये देखा गया है कि ट्रेपेजियस, पेक्टोरेलिस, सिरेटस, पाल्मेरिस लोंगिस एंड पाल्मेरिस ब्रेविस के अंदर कहीं ना कहीं प्रेजेंट है। ये सेल थेरेपी की थी, ये जो मसल्स हैं यहाँ से हमने आइसोलेट किए थे सेल्स, फिर सेल थेरेपी की, और फिर सेल थेरेपी में हमने करके देखा कि कुछ कुछ रेमिनेंट्स जो हैं वो प्रेजेंट हैं हमारे पैनिकुलस कार्नोसस के। ये पर फुल 100% एविडेंस नहीं हुआ है कि हमारी पैनिकुलस कार्नोसस मसल जो है वो प्रेजेंट है पाल्मेरिस ब्रेविस के अंदर, लोंगस के अंदर, ये फुल प्रूफ नहीं है, लेकिन क्रेनियोफेशियल मसल एंड प्लेटिस्मा, दिस इज फुल प्रूफ दे कंस्टिट्यूट रेमिनेंट्स ऑफ पैनिकुलस कार्नोसस मसल। आगे चलते हैं, ये मैंने आपको बता दिया। इसके बाद द पैनिकुलस कार्नोसस इज अ शीथ ऑफ स्किन मसल या डर्मल मसल्स डेवलप्ड इन मैनी मैमल्स, या मैं स्पेसिफिक बोलूँ लोअर मैमल्स, allows movement of skin, skin की movement होगी independent of the movement of deeper muscle mass, independently movement होगी, नीचे जो उसके muscle है, नीचे जो उसके bone है, connective tissue है, वो move नहीं करेगा, सिर्फ upper lying skin move करेगी, and these movements in such a mundane means day to day activity, ये day to day activity होती है, muscle को, skin को twitch करना, twitching of the skin, contraction of the skin to foil the insects and pest. Insects और pest जो आके बैठते हैं, जो itching करते हैं lower mammals को, तो उनको भगाने के लिए जो है ये
ट्विचिंग ऑफ द स्किन देखी जाती है विच इज पॉसिबल बाय दिस पैनिकुलस कार्नोसस विच इज प्रेजेंट इन द लोअर मैमल्स. कुछ स्पीशीज के अंदर ये भी देखा गया है कि पैनिकुलस कार्नोसस होने की वजह से, ट्विचिंग होने की वजह से हीट प्रोड्यूस होती है ड्यू टू शिवरिंग एक्शन. एग्जाम्पल पोलर बियर. पोलर बियर जब शिवर करता है विद द हेल्प ऑफ दिस पैनिकुलस कार्नोसस हीट प्रोड्यूस होगी और वो कोल्ड क्लाइमेट के अंदर अपने आप को स्टेबलाइज कर पाएगा. तो द डर्मल मस्कुलरेचर ऑफ द फेशियल रीजन इज पर्टिकुलरली वेल डेवलप्ड इन प्राइमेट्स. फेशियल रीजन जो है उसी के अंदर ये पैनिकुलस कार्नोसस वेल डेवलप्ड है प्राइमेट्स के अंदर. मैं ह्यूमंस की बात करूँ तो उनके अंदर, मंकीज के अंदर जो है वो ये, बिकॉज मंकीज के भी हैंड है इचिंग करने के लिए, इचिंग को ख़त्म करने के लिए, स्क्रैच करने के लिए. तो ये जो प्राइमेट से जब नीचे चलते हैं हम, काउज, बफेलोज, इनके अंदर नहीं है इचिंग ख़त्म करने के लिए, स्क्रैच नहीं कर सकते. तो जो हमारी पैनिकुलस कार्नोसस है वो इनके अंदर वेल डेवलप्ड है फुल बॉडी के अंदर. फेशियल मोबिलिटी अलाउज एक्सप्रेशन. दूसरा, फेशियल मसल्स जब है एक्सप्रेशन दिखाएंगी, फेशियल मसल कॉन्ट्रैक्ट होंगी ड्यू टू द रेमिनेंट्स ऑफ दिस पैनिकुलस कार्नोसस, तो वो एक बिहेवियरल बिहेवियर भी दर्शाएगा और दूसरा वो सोशली भी उन एक्सप्रेशंस की ज़रूरत है. तो ह्यूमन बीइंग्स के अंदर सिर्फ ये फेस और नेक के अंदर ही पैनिकुलस कार्नोसस पाई जाती है. तो अब देख लीजिए कि पैनिकुलस कार्नोसस होती कहाँ है. दिस इज डी वेट, दैट मीन्स डर्मल वाइट एडिपोज टिश्यू. ये जो हमारा माउस है, माउस के अंदर जो है वेल डेवलप्ड पैनिकुलस कार्नोसस, क्योंकि शुरू ही यहीं से हुई है रैट से, तो वहाँ जो है हमने उसका स्टेन किया हीमोटॉक्सिलिनियोसिन से, तो हमें ये माइक्रोस्कोप के अंदर देखने को मिला. तो दिस मसल इज प्रेजेंट बिटवीन डी वेट, मीन्स डर्मल वाइट एडिपोज टिश्यू. वाइट देखिए आप, ये वाइट एडिपोज टिश्यू है जो अंदर का म्यूकस था वो स्टेन के थ्रू निकल गया है. तो ये वाइट कलर की एडिपोज टिश्यू हमें दिखती है लेयर, और ये जो है लेयर हमारी वो है पैनिकुलस कार्नोसस की लेयर. ध्यान से देखिए, ये पैनिकुलस कार्नोसस की लेयर जो है वो प्रेजेंट है. इसके नीचे अंडरलाइन बोन है, ये बोन का बीच में जो है वो इंटरस्टिशियल कनेक्टिव टिश्यू है. तो बोन की मूवमेंट नहीं होगी, सिर्फ अपर लाइंग स्किन की मूवमेंट होगी, ओनली पॉसिबल बाय दिस पैनिकुलस कार्नोसस. आगे चलते हैं. ये ह्यूमन बींग्स और डॉग और कैट की, या फिर रैट या फिर काउ, बफेलो, किसी की भी पैनिकुलस कार्नोसस, या बोलूँ तो लोअर मैमल्स की पैनिकुलस कार्नोसस के डिफरेंस पॉइंट यहाँ पे आप देखिए. हाइपोडर्मिस के अंदर प्रेजेंट है पैनिकुलस कार्नोसस, और जबकि यहाँ हाइपोडर्मिस जो है वो हमारी खाली है. हाइपो मीन्स जस्ट बिलो द डर्मिस, ये हमारी डर्मिस लेयर. इस डर्मिस के नीचे, हाइपो डर्मिस के नीचे पैनिकुलस कार्नोसस जो है वो प्रेजेंट है. उसके नीचे स्केलेटल मसल्स भी प्रेजेंट है, लेकिन जो ह्यूमन है उसके अंदर सिर्फ स्केलेटल मसल्स है, पैनिकुलस कार्नोसस नहीं है. है तो सिर्फ उसके रेमिनेंट्स हैं, वो भी फेशियल मसल्स के अंदर फॉर फेशियल एक्सप्रेशन, और प्लेटिज्मा के अंदर फ्राइट कंडीशन के अंदर जब प्लेटिज्मा कॉन्ट्रैक्ट करेगी, फ्राइट का एक्सप्रेशन देगी, तो इन सभी फेशियल एक्सप्रेशन और फेशियल मसल्स के लिए मैं अगला लेक्चर लूँगा. इस लेक्चर में फ़िलहाल इतना ही. थैंक यू.